अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़िया अकेली अकेली कहाँ घूम रही है। तो मैं अकेले नहीं घूम रही, आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो ये आप लोगों को व्यू देख के तो समझ आ ही गया होगा, मैं अलादीन पार्क के करीब खड़ी हूँ और आज मैं आई हूँ संडे मार्केट, जो कि वेनसडे को भी लगती है। तो ये मैं वेनसडे को आई थी, तो ये वेनसडे मार्केट है, ठीक है। तो अभी जो शुरू शुरू में शेड्स लगी हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनका स्टफ़ अच्छा था और इनकी क्वालिटी भी सही थी और इनकी प्राइस जो थी 500 थी, ठीक है। ईच शेड जो है आपको 500 की मिल रही है और इनका स्टफ़ जो था वो भी अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर इस मार्केट का जो है विज़िट कीजिएगा। और जो जो चीज़ें मैं यहाँ से लूँगी, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाया जाए और आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि किस मार्केट से क्या चीज़ मिलती है। अंकल ये कैसे दे रहे हैं, ये जो आपके हाथ में था? हाँ, टेबल के लिए चाहिए ना साइज, ये साइज चाहिए। यूं लंबाई में और लंबा वाला चाहिए? हाँ, ये तो बहुत लंबा हो, छोटा हो गया अंकल, चौड़ा ही नहीं है ना। थोड़ा चौड़ा हो, थोड़ा लंबा हो, इतना हो रहा। कितने का अंकल? 200। पहले इसमें दिखा दे अगर है तो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको कवर नजर आ रहा है, पहले अंकल ने इसकी प्राइस हमें बताई थी 350, उसके बाद इन्होंने कम करके हमें ये 200 रुपये में दिया है। और इसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। और ये जो आपको तमाम किचन का आइटम नज़र आ रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको 50 रुपये की मिलेंगी, जो भी आप चीज़ यहाँ से बाय करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मोबाइल के हवाले से भी तमाम एक्सेसरीज़ वगैरह मौजूद थी, जैसे उनकी लीड्स वगैरह हैं, पॉप सॉकेट, शायद पॉप सॉकेट ही कहते हैं जो मोबाइल के बैक साइड पर लगता है वो। और इसके अलावा डेकोरेशन का आइटम भी यहाँ पर अवेलेबल था, जैसे कि मैं आपको जाए नमाज दिखा रही हूँ और कुछ सीनरीज़ वगैरह दिखा रही हूँ, इसमें अल्लाह के नाम, आयत करीमा और कुल शरीफ वगैरह भी लिखे हुए थे। पेंट वगैरह जितने भी थे ये आपको 50 रुपीज़ का ईच मिल रहा था। इसके अलावा लिपस्टिक वगैरह, परफ्यूम्स, मेकअप का जितना भी सामान है वो यहाँ पर था मौजूद, अवेलेबल था, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कुशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 250 का ईच था। मैं आपको आइटम दिखा रही हूँ, ये भी जो है डेकोरेशन के हिसाब से बड़ा ही अच्छा था और किचन की वॉल हैंगिंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन इसकी प्राइस जो थी वो 1200 थी, तो ये मैंने बाय नहीं किया यहाँ से। अच्छा जी, ये जो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट पर्स दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस थी 400। इसके अलावा जो ये हैंग हुआ हुआ ब्लू कलर का, इसकी प्राइस थी 1000। लेकिन यही आपको पर्स 1500 का न्यू मिल जाएगा, तो आपको यूज़ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप न्यू बाय कर सकते हैं। ये बस आपकी नॉलेज पे निर्भर है और आपके जो है एक्सपीरियंस पे है कि आपको इसका हाव नाव होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितने की मिल रही है, तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। और ये स्लीपर्स वगैरह जो भी मैंने आपको ट्राई करके दिखाई, ये 300 और 200 की आपको मिल रही थी ईच। ये जो अभी मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस थी 300। तो ये मुझे कुछ अच्छी लगी और यूनिक लगी, डिफरेंट लगी, तो आप इस टाइप की जो है यहाँ से स्लीपर्स वगैरह बाय कर सकते हैं। और ये घर में कैजुअल यूज़ के लिए आपको चप्पल मिलेगी 200 की। तो यहाँ पर मैंने आपको स्लीपर्स दिखा ली। ये पहले कितने की है भाई? 2200 रुपये। भाई मेरे वाली बात नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं मॉल में आके खरीदूं 2200 रुपये? हम टॉकिंग बता रहे हैं। ओह, ₹100 भाई कैसे दे रहे हो? बाबा जी 300 भाई इसका। और ये 500 माइक में ही बता दो बाबा जी इसका। 500 है जबरदस्त, 500 जो सही थी। मैं जरूरत ही को नहीं हाली छाके। ये कितने की दे रहे भाई? कैसे दे रहे? कंफर्टर का कवर कवर नहीं, कंफर्टर नहीं।
तो जी अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।